विदिशा में कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में आज बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से विदिशा के अलावा गुलाबगंज और अटारी खेजुआ क्षेत्र में लगातार अघोषित कटौती और अव्यवस्थाओं के साथ मनमाने बिजली बिलों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि विदिशा विधानसभा में जानबूझकर अघोषित लाइट कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर व्यवस्था नहीं सुधारी तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को मजबूर होगी। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के जिला पदाधिकारी और ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता और आम जनता भी मौजूद थी। बाद में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मामले में बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि अघोषित कटौती ऊपर से ही की जा रही थी, जो कि 3 दिन पहले बंद हो चुकी है। इसके बारे में विधायक जी को अवगत करा दिया गया है। विदिशा विधानसभा में जानबूझकर अघोषित कटौती की जा रही है, इसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी के ब्लॉकों ने, सभी ब्लॉकों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और आज प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मेहरबानी करके बिजली की सप्लाई रेगुलर करें। शहर में भी 4-4, 6-6 घंटे काट रहे हैं और गांव में तो ऐसा आलम है कि बगैर बताए चली जाती है और आप जानते हो कि जब तक आए ना इंतज़ार में बहुत कष्ट होता है आदमी को। वो स्थिति आज विद्युत मंडल ने पैदा कर दी। किसानों ने मूंग की फसल बो रखी है, वो सूखने की कगार पे है। बिलों का आलम यह है कि हमने दबाव डाल के मुख्यमंत्री पे, और कोरोना काल में जो उन्होंने घोषणा की थी और झूठ बोलने लगे थे कि नहीं की, उसे हमने मनवा लिया और बिजली के 2021 अगस्त तक के बिल माफ़ करा लिए। इसके बाद भी विद्युत मंडल में आज भी कभी दे देते हैं, कोई रसीद दे देते हैं, उसे घटाते नहीं हैं, फिर पूरा बिल दे देते हैं। ये चकमा चकमी का खेल चल रहा है और ज़्यादा अगर अपन कुछ कह दो तो कहते हैं साहब चल तो रहे, मारते क्यों। ये स्थिति आज विद्युत मंडल के अधिकारियों की है, इसलिए हमें आज चेताने के लिए ये आंदोलन करना पड़ा। और आगे अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर और आंदोलन भी करेंगे और ऊपर अधिकारियों से ही बात करेंगे। पिछले 5 दिन पहले तक अघोषित कटौती हो रही थी ग्रामीण क्षेत्र में, इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। मेन मुद्दा वही था जो पिछले 3 दिन से अघोषित कटौती बंद हो गई है, अब बिजली कटौती नहीं हो रही ग्रामीण क्षेत्र में, मेन मुद्दा उनका वही था। उससे उनको विधायक जी को अवगत करा दिया गया है। तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, अघोषित कटौती जो ऊपर से हो रही थी बिजली डिमांड और खपत में कमी आने के कारण, वो अब सही हो गई है और अघोषित बिजली कटौती बंद हो गई है 3 दिन से, उनको अवगत करा दिया गया है विधायक जी से। और उन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो वरिष्ठ कार्यालय में भेजा जा रहा है उनकी मांगों के हेतु। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।